सो व्हाट इज अप साइबर आर्मी, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। सो आज की वीडियो का हमारा जो मेन मिशन रहेगा वो ये है कि लॉस सैंटोस में एक रिच मैन है जिसका काफी ज्यादा ही बड़ा घर है, मतलब हद से ज्यादा बड़ा घर है। उसके पास अभी अभी एक सुपर कार जो की है मैक्लारेन अभी अभी डिलीवर हुई है, और हमारा आज का मिशन है उस मैक्लारेन को खुद के लिए चोरी करना, क्योंकि देखो चोरी करना हमारा काम है। और अब गाड़ी भी आगे से मैक्लारेन है तो फिर कौन डिनाई करेगा ना उसको चोरी करने के लिए। पर कह रहे हैं उसके घर पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही है, सो इसलिए सबसे पहले हमको स्टेल्थ में कपड़े डाल लेते हैं और पिस्टल भी लेनी पड़ेगी एक साइलेंसर वाली शायद है हमारे पास, और बाकी देखते हैं ज़्यादा उससे नहीं करना। शायद वो ये डाल के चल जाए, नहीं किधर आ स्काई डाइविंग का ये रही स्टेल्थ। ओके ठीक, कपड़े क्योंकि मास्क डालना जरूरी है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो फिर मसला खड़ा हो सकता है बहुत बड़ा। अब जल्दी से हम बाइक में ही चलते हैं, गाड़ी में नहीं जाना। ये रही बाइक अपनी। ओके तो वो जगह है इधर, ये वाला बंगला, तो फिर अभी पहले इसके रोड के पास जाते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कितनी सिक्योरिटी है, पर ये है कि हाईस्ट लेवल की सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा ही है, तो अभी तो देखना ही पड़ेगा। वेट, पहले गन चेक करें हमारे पास। ओके तो सप्रेसर वाली पिस्टल अपने पास, एक ये है स्नाइपर है और एक, ठीक है हो जाएगा काम अपना, इसी से ही नॉकआउट भी कर देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सीधा ही। क्यों अब चलते हैं जल्दी से, चलते हैं बस पहुंचने वाले हैं। सर 3.5 मिनट मील रह गया, चलो ओके। ये रहा सामने वाला घर, यही है ना, हाँ ये उसकी वो देखो आउटर बाउंड्री कितनी ज़्यादा बड़ी है उसकी। और पहले देख लेते हैं कि वो देखो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उधर भी, इधर तो नहीं है कोई, इधर भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा। शिट मैन, हर जगह भी सिक्योरिटी गार्ड हैं। और यहाँ पर इसके सामने से जाके देखते हैं, इसके सामने गार्ड्स खड़े हैं यहाँ पर भी, और अंदर भी, अंदर अभी दिखा नहीं कोई गार्ड। यहाँ इस साइड पर भी है एक गेट, गार्ड तो नहीं है साइड पर। चिट 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 चिट, यहाँ पे गार्ड है। बस अब हम कोई राइट सी जगह देख लेते हैं और उधर से हम अंदर एंट्री मारते हैं। इतनी बड़ी मान का घर है, यहाँ पर भी सामने गार्ड खड़ा, पर यहाँ पर सामने यार जाऊँ छुपके से समा सकता हूँ। यहाँ से ट्राई करते हैं, स्टेल्थ हो जा। हाँ हेलमेट गुड, मदरफक्कर। ओके यहाँ पर किसी को नहीं देखा, जल्दी से मैं अंदर चला जाता हूँ। ओके आ गए यहाँ, वहाँ पर भी एक गार्ड है, इस पर से प्रेशर नहीं है, किसी से मारने की कोशिश नहीं मरेगा वो। अब बारी है उसकी, ओके तो फिर वहाँ पर भी है एक, इस साइड के तो सारा रास्ता साफ है अपना, धीरे धीरे चलते हैं गन अंदर, धीरे स्टेप्स में जल्दी चल। ओ वो रही हमारी गाड़ी, इधर से तो कोई रास्ता है नहीं बाहर जाने का,
तो मुझे बैक साइड से जाना पड़ेगा। भाग 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 भाग, कोई बात नहीं, उसे पता ही चलेगा। उसका ध्यान साइड पर आ, इधर ये वाला भी गया इजी। शिट, झाड़ियों में, तो झाड़ियों में आई थिंक मुझे इस साइड से चले जाना चाहिए। उस साइड पर भी गार्ड आए, इसका इधर को उतर मारा था। चलो इधर से तो काम हो गया अपना। ऊपर वाले गार्ड्स लटने हुए, बट ये सारे भाग क्यों हैं ऐसे? पागल दरवाजे दिखाते हैं। उधर भी आए एक, एक गार्ड से टू साइड पर भी आ। ओप्स, ऊपर अब मुझे ऊपर से जाना ही पड़ेगा। कोई ऐसे सीन नहीं यार, कोई बात नहीं, राम राम से चलता हूँ। राम राम से, राम राम से। इधर से पहले उसको मार देता हूँ। पता ही चला किसी को। ठीक है, जल्दी भागो अब। ओके, तो वो चारों इकट्ठे हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है मेरे लिए। ओह शिट, यहाँ पर भी है। क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? काम करता हूँ, आराम आराम से जाता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। कपड़े भी मैंने कुछ ऐसे डाले हुए हैं। यहाँ पर आ गया मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं। अब आई थिंक नहीं मार सकता मैं। कोई आ रहा, चलो शिट हो गया। लग मर जा, तू भी गया, मर जा। मैं गाड़ी को नहीं कुछ होने दे सकता। ओ शिट, गाड़ी पे कुछ मैं पूरी तरह। अब तो पागलों ने सहेंगे, रीलोड करता हूँ पहले। आई थिंक मुझे पहले गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। ये रास्ता, ये भी हमारी मैकलारन। ओ शिट, पागलों जैसे ठोक रहे हैं ये मुझको। चल भगा ले भगा ले भगा ले। यस यस यस, उनका कोई यार यहीं पे ड्रिफ्टिंग करनी है, क्योंकि कोई बंदा ना पीछे आ रहा हो। जल्दी से भगा लेता हूँ मैं इधर से। ओ भाग 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 भाग, भाग। जल्दी से अब सीधा आए। मैं सोच रहा हूँ माइकल की भी छेड़ देता हूँ, उधर किसी को शक भी नहीं होगा। उधर थोड़ी देर रुक कर फिर हम इसको मॉडिफाई कराने के जाएंगे। अभी नहीं, पहले मुझे कूल डाउन करना पड़ेगा कहीं पर। इसके घर में लाकर खड़ा कर देते हैं इसको। माइकल तो अपना दोस्त है, कुछ नहीं करेगा वो। बस अब मैं इधर थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। सो गाइस, अब हो चुके हैं इधर 7 बज गए हैं, और हमने चोरी अराउंड पैर को की थी, तो अब कूल डाउन काफ़ी हो गया। ये माइकल के घर में आए हुए हैं हम, माइकल तो था नहीं यहाँ पर। तो अब सीधा गाड़ी को लेकर चलते हैं इसे मॉडिफाई कराने। किधर है, किधर? ये रहा, कलर शायद मैं इसका यही रखूं। अब तो जल्दी से चलते हैं अपनी नई गाड़ी के साथ। ये गाड़ी, चलो अंदर। McLaren P1 सुपर। अब हम इसको कराते हैं पूरा रिपेयर एंड
modify your बाहर आते हैं। ओ भाई साहब क्या सुंदर लग रही है। अभी ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इस गाड़ी का। टॉप स्पीड भी चेक करनी है अभी हमने इसकी, और ये देखो फर्स्ट पर्सन। हाँ ये देखो, ये हमारी गाड़ी पूरी, और इसकी विंडोज भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। 1, 2, 3 तो आप देख सकते हो पूरी विंडोज इसकी खोल दी है, अच्छी लग रही है। इसकी यहाँ पर भी तो छोटी छोटी सी 2 विंडोज हैं, ट्रंक इसकी नहीं है, मतलब पीछे कोई डिग्गी डुग्गी नहीं है। अब आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ, बट पहले बंद कर दूँ इसकी वो विंडोज। तो चलो गाइस विंडोज तो बंद हो चुकी है, अब मैं आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसके प्रीमियम इंटीरियर्स हैं पूरे, आप देख सकते हो क्या बात है। इसके इंटीरियर्स फुल ब्राइट है, अंदर से भी आपको काफ़ी अच्छी है ये। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पे इसका स्पीड टेस्ट करने। एयरपोर्ट अपना एयरपोर्ट ये रहा, चलते हैं सीधा एयरपोर्ट पर। इसकी बैक साइड की लाइट्स भी कितनी सुंदर है। नॉर्मल स्पीड तो इसकी रोड स्पीड तो अभी तक जैसे हम चला रहे हैं नॉर्मली तो रोड्स पर ये 200 तक की तो चीप कर लेती है। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट पे, और बिल्कुल एंड से शुरुआत करेंगे इसके टॉप स्पीड चेक करने के लिए। वैसे आई डोंट थिंक इसको पूरा रास्ता मिलेगा अपने टॉप स्पीड अचीव करने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट भी छोटा पड़ जाएगा ऐसे तो। एकदम हम एंड से स्टार्ट करेंगे। वैसे इसकी ब्रेक इतनी सुंदर लगती है ना। ओके 1, 2, 3 प्लेन भी उतर गया उधर के 160 पे। थोड़ी सी है उसकी स्पीड रुकी गियर चेंजिंग में, और 182 तक तो भी ऐसे ही जा रही है, अभी भी इंक्रीज हो रही है इससे ज़्यादा मैं अलाउ कर ही नहीं सकता भाई। किसी की आगे जाके काम करता हूँ, पूरा सर्कल ट्राई कर लेते हैं, शायद उससे इसके टॉप स्पीड का पता चल जाए। बहुत सुंदर गाड़ी है, उसे बहुत ज़्यादा सुंदर। चलो अभी भी ना मैं एक्सलेशन के साथ ही टर्न ले रहा हूँ, और इसकी हैंडलिंग पे कोई फर्क नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है ये कार। अब यार यहाँ पर इसको पूरा मिल नहीं रही, इतनी जगह है ही नहीं कि ये अपने टॉप स्पीड को इतना चीज कर पाए। 186 देखो, ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पर अचीव कर ही नहीं पाएंगे हम। और अगर इसकी एक्सलेशन की ट्यूनिंग करवानी हुई तो मैं देख लूँगा, और अगली वीडियो में शायद आपको वो भी दिखा दूँगा कि इसकी एक्सलेशन ठीक हुई या नहीं। वैसे तो ठीक है, इसके ऑटोमेटिक स्पॉइलर को क्या हुआ, काम नहीं कर रहा वो। जल्दी से चलते हैं हम ड्राइवर के घर पे। ये रहा इसका घर। चलो अब जल्दी से चलें। तो चलो गाइस पहुंच चुके हैं हम ड्राइवर के घर पे, अब सीधा खड़ा लेकर चलते हैं, और खड़ाते हैं इसके गैराज में। और चल भाई चल, यहाँ इस साइड को दीवार के साथ लगा देता हूँ, और उस साइड से निकल जाएगा बाहर। यहाँ पर खड़ी है हमारी जेंट्रोनो, ये भी बिल्कुल टॉप क्लास गाड़ी है जेंट्रोनो। चलते हैं अब बाहर। सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, वीडियो के साथ साथ आपको कार भी कैसी लगी वो भी बताना। और आज की वीडियो अच्छी थी, काफ़ी थ्रिल रहा, मतलब गाड़ी को चुराने में, मॉडिफाई कर ली, स्पीड टेस्ट कर ली। इसकी पर रही बात इसकी एक्सेलरेशन की, तो अगली वीडियो में सेट कर लेंगे।
अगर अगर अवेलेबल हुई नहीं तो ऐसे भी बढ़िया ही चल दिया। और आप सभी मुझे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उधर से क्या होगा, आपको लाइव स्ट्रीम की टाइम का पता चल जाएगा, उधर मैं अपडेट देता रहता हूँ रेगुलर। और मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इट्स साइबर गेमर साइनिंग।